ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। सभी को बाबा ने आते ही बहुत बड़े खजाने दिए हैं, उन खजानों को पाकर हम संतुष्ट हुए। हमारे अंदर से आवाज निकलनी चाहिए, बाबा आपको पाकर हम संतुष्ट हुए। आपने हमें बहुत खजाने दिए, उन्हें पाकर हम संतुष्ट हुए। तो ये संतुष्टता ही हमारी बहुत बड़ी संपत्ति हो गई, हमारी प्रॉपर्टी हो गई। जो मनुष्य हर हाल में संतुष्ट रहता है वो सचमुच बहुत बुद्धिमान है, वो ज्ञानी है। मनुष्य के जीवन में रोज अनेक बातें आकर उसके मन को थोड़ा थोड़ा, कहीं भी कभी बहुत सूक्ष्म असंतुष्ट करती हैं। कहीं मान न मिला, कहीं बैठने को ठीक जगह न मिली, कहीं बच्चों ने आज्ञा न मानी, कहीं पत्नी या पति ने कुछ ऐसा वैसा कर दिया, कहीं बिजनेस धंधों में कुछ हो गया, एक असंतोष की भावना बनी रहती है। दूसरों के व्यवहार के कारण भी, कुछ अप्राप्तियों के कारण भी मनुष्य असंतुष्ट होता है। परंतु बुद्धिमान समझदार वही है जो सदा संतुष्ट रहे। संतुष्टता सचमुच बहुत बड़ी चीज है। और विचार करें, यदि भगवान को पाकर भी कोई संतुष्ट न हुआ तो भला कब होगा। सोचा तो ये जाए कि यदि भगवान को पाकर, उससे संपूर्ण ज्ञान पाकर, सर्व खजाने पाकर, उसका प्यार पाकर, उससे सुख शांति और शक्तियों की अनुभूति करके पवित्र आत्मा बनकर भी यदि हम संतुष्ट नहीं हुए तो द्वापर युग के बाद पुनः असंतोष की ज्वाला हमारे अंतर मन में धधकती रहेगी और हमें जीवन का सच्चा सुख नहीं मिलेगा। इसलिए स्वयं को स्वयं ही संतुष्ट करें। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ही जब स्थित प्रज्ञ योगी के लक्षणों की चर्चा की गई है तो कहा गया है, ऐसा व्यक्ति जो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है स्थित प्रज्ञ है, अर्थात जो आत्मानुभूति में संतुष्ट रहता है, जो आत्मा को भरपूर करके संतुष्ट रहता है, जो आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति बनाकर संतुष्ट रहता है, वही स्थिर बुद्धि हो सकता है। अन्यथा ये बुद्धि है जो भटकती ही रहती है। तो आइए हम सभी संतुष्टता से अपना श्रृंगार करें। ये श्रृंगार बहुत सुंदर है। यदि मन उत्तेजित रहता है, यदि मन अशांत रहता है, तो चाहे कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, श्रृंगारित हो, वो वास्तव में किसी को भी प्रिय नहीं लगता, किसी को भी आकर्षित नहीं करता। सच्चा प्यार और सच्चा आकर्षण मनुष्य के अंदर उसकी श्रेष्ठ स्थिति, चित्त की शांति, मन की संतुष्टता से ही प्राप्त होता है। तो जरा इस नशे में आ जाएं, स्वयं भगवान हमारा श्रृंगार कर रहा है। सोचो कितनी बड़ी बात हो गई। वो श्रृंगार भी ऐसा, सद्गुणों से श्रृंगार, शक्तियों से श्रृंगार, महान संकल्पों से श्रृंगार, श्रेष्ठ पवित्रता से श्रृंगार, योग के सुख के द्वारा श्रृंगार, ये सब हमारे श्रृंगार हैं। हमें इन सब श्रृंगारों को खराब भी नहीं होने देना है, श्रृंगार को बिगाड़ना भी नहीं है, और निरंतर श्रृंगारे हुए ही रहना है। तो आइए आज हम सारा दिन इस स्वमान में रहें, स्वयं भगवान हमारा श्रृंगार कर रहा है। वो स्वयं आया है हमारे पास हमें सब कुछ प्रदान करने वाले, करने के लिए, और मैं हूँ संतुष्ट मणि। बहुत सुंदर ये स्वमान है, मैं हूँ संतुष्ट मणि जिसका प्रकाश चारों ओर फैलता है। साथ साथ
एक बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे कि ये संसार का खेल पूरा हुआ, अब मुझे सब कुछ छोड़कर आत्मा बनकर निराकार बनकर बाबा के साथ घर चलना है, और अपने को आत्मा देखकर घर जाते हुए देखेंगे, मैं आत्मा पहुंच गई अपने घर, मुक्त अवस्था में, संपूर्ण शांत अवस्था में, संपूर्ण अवस्था में उसको वहाँ एंजॉय करेंगे। ये एंजॉयमेंट है मुक्ति का आनंद। ओम शांति। ओम शांति।